हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज सिमरन। हम लोगों ने 9th क्लास की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, इज मेटल अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोगों ने अपनी केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेटल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इज द सिंपल डेफिनेशन। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो ना तो मेलिएबल हो, ना ही डक्टाइल हो, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, राइट? कुछ अगर एग्जाम्पल लूँ मैं इसके, वो ये होंगे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, एक्सेट्रा, राइट? ये हैं आपके नॉन मेटल्स। बट डायमंड, जो आप लोगों को नहीं पता होगा वो बता देती हूँ, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड ज्वेलरी में यूज़ होता है, ग्रेफाइट हमारी पेंसिल की जो लिड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, ये दोनों भी नॉन मेटल्स होते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो होते हैं ये एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की। सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैशियस स्टेट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, वो क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्योंकि हमें लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है? तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे आर ब्रिटल। मतलब नॉन मेटल्स को हम मेलिएबल नहीं है। मेलिएबल क्या था? कैन बी ड्रॉन, मतलब हम इनको कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, हम इन्हें थिन शीट्स में, हम मेलिएबल को, जैसे आयरन को अगर हम हैमर से मारें तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, राइट? इनका ना अगर हम इसे मारेंगे ये टूट जाएंगे, दे ब्रेक डाउन। लाइक अगर एग्जांपल लो ग्रेफाइट का, पेंसिल की लिड निकालो, उसको हैमर करो, आप देखोगे दे गेट ब्रेक डाउन, वो टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। तो ये होता है ब्रिटलनेस, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट। नेक्स्ट आती है दे आर नॉट डक्टाइल। नॉट डक्टाइल का मतलब दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ठीक है, इनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो वो टूट जाएंगे। लाइक अगर एग्जाम्पल लो आप सल्फर का, सल्फर एंड फॉस्फोरस, अगर आप इन्हें स्ट्रेच करोगे, इनको तोड़ो, इनके ऊपर अगर इनका ब्रेक, इनको थोड़ा मारोगे तो टूट जाएंगे, जैसे ग्रेफाइट टूटता है, वो लोग हम उनको एक वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, ना ही हीट पास करती है। बट हर जगह एक एक्सेप्शन होती है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि डायमंड जो है, ये डायमंड जो है ये एक नॉन मेटल है और ये गुड कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन, गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट जो है, और हमारा ग्रेफाइट जो है ये एक नॉन मेटल है और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट की आप ये चेक तो कर सकते हैं, आप पेंसिल लीजिए, दो पेंसिल्स लीजिए, उसके साथ आप वायर कनेक्ट कीजिए और एक, उन दोनों वायर्स का एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट कीजिए, बल्ब के साथ कनेक्ट कीजिए, आप लोग देखेंगे कि ना वो बल्ब ग्लो करेगा,
ठीक है, वो इसलिए होगा क्योंकि उस लिड के पेंसिल के अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। जैसे ही पेंसिल है राइट, यहाँ पर आप वायर लगाइए, एक एंड को बैटरी के साथ कनेक्ट कीजिए और एक एंड को हम उसके साथ बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे, बल्ब का दूसरा। ठीक है, तो आप देखोगे जो यहाँ से हमारी बैटरी में से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी आगे बल्ब में पास होगी, जिसकी वजह से बल्ब हमारा ग्लो करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, वो ये होती है, दे आर नॉट लस्ट्रस, नॉट शाइनी, दे आर डल, डल होते हैं, उनकी उनके अंदर कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, सारे के सारे वो होते हैं। अगर आप देखें, अगर आपने सल्फर देखा हो, फॉस्फरस देखा हो, उनका कोई चमक नहीं होती, दे हैव नो शाइनिंग, हमेशा वो डल अपियर करते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एज आई टोल्ड यू। आयोडीन, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये शाइनी है, इसके अंदर लस्टर है, हैविंग लस्ट्रस अपियरेंस। आप नमक देखते हैं ना, नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है ना, तो आप नमक देख के, और नमक में एक चमक भी होती है, वो आयोडीन की वजह से ही होती है। ठीक है, अब नॉन मेटल है, दे आर सॉफ्ट, जबकि मेटल्स क्या थे, हार्ड थे, बट मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन होती है। ये लोग इतने सॉफ्ट होते हैं ना, जैसे आप जैसे उसको लेंगे आप सल्फर और फॉस्फरस को लीजिए, ये इतने सॉफ्ट हैं, आप इसे इन दोनों को कट कर सकते हैं विद योर नाइफ। जो आप लोग आप घर पर जो नाइफ किचन में यूज़ करते हैं, उनके साथ कट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, आई टोल्ड यू। डायमंड जो एक नॉन मेटल है, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड में, इससे हार्ड नहीं है। नॉन मेटल होते हुए भी ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो और ये तो डायमंड तो खुद दूसरी चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कटिंग में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनका वेट नहीं होता है, इनकी वीक वीक वेट होता है, कम वेट होता है, लेस वेट होता है इनके अंदर, लेस वेट। आप देख सकते हैं, आप अपनी पेंसिल की, अगर आपके पास क्लिक वाली पेंसिल हो, उसके अंदर उसकी जो लेड होती है, लेड्स होती हैं वो सेपरेटली मिलती हैं, आप एक लेड को उठा के देखो कितनी हल्की होती है, वेटलेस होती है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारी, इसकी प्रॉपर्टी वो ये है, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जबकि जो मेटल्स थे वो हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलते थे, एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड स्टेट में भी मिलता था, बट नॉन मेटल्स हमें तीनों स्टेट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप नाम देंगे ग्रेफाइट, इसीलिए तो वो रूम टेम्परेचर पे पिघलती नहीं है, वरना तो लेड हमारी हो जाएगी ना। नेक्स्ट जो आता है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, मीन्स इनका जो ये जो होते हैं, दे आर क्वाइट लाइट इन वेट, दे आर नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस, इनका वेट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट
एक्सेप्शन आ गया. आयोडीन, इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, एक्सेप्शन जरूर याद रखिए, ये पेपर में पूछी जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दे आर नॉट सोनरस. सोनरस मतलब जब हम इनको अगर किसी चीज़ से मारें तो उनकी रिंगिंग साउंड आए. मींस नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक्ड ओके विद समथिंग. लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स. हर एक इसका जो नॉन मेटल्स के होते हैं ये हर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है. जैसे सल्फर, वो येलो कलर का होता है. ग्रेफाइट, वो ब्लैक कलर का होता है. क्लोरीन जो है वो हमारा येलोइश ब्राउन कलर का, येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. अब हमने पढ़े मेटल्स नॉन मेटल्स, अब इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं. हम जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ेंगे, जस्ट जल्दी में, एक बहुत क्विक में. मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं. इनकी कोई मेलिएबिलिटी नहीं होती, ना ही डक्टिलिटी होती है. मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट डायमंड जो गुड कंडक्टर है हीट का, ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है. नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, दे आर डल, एक्सेप्ट आयोडीन. ये जो होते हैं मेटल्स वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड मेटल है. नॉन मेटल्स हर एक स्टेट में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और वो टफ होते हैं, राइट. जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर वीक एंड दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जस्ट एंड दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनरस, साउंड प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट सोनरस. नेक्स्ट जो आता है, लास्ट जो हम पढ़ेंगे आज के लिए, वो ये है मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स जो आते हैं, इन ये जो आते हैं, ये दीज लाई बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये लोग जो हैं ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाए करते हैं, राइट. कुछ की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मेटल के भी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी मेटल के जैसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल के जैसी होती हैं, इन इसीलिए हम इन्हें मेटलॉइड्स बोलते हैं. तो मेटलॉइड्स की डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. अगर एग्जाम्पल लें हम इसका, तो एग्जाम्पल क्या होगा? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड के, राइट. और मेटलॉइड क्या थे? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लाइक करती हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों. एंड अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू आर ऑलवेज वेलकम्ड. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. And don't forget to press the bell icon. Thank you.